Hello everyone, take out your history book, open page number 53. Here the chapter 4, the Mughal Empire. हम मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. उनका शासन कैसे हुआ, वो कैसे रूलर बने, उन्होंने किस किस एरिया में रूल किया. मुगल एम्पायर एक ऐसा रूल है जहाँ जो ज़्यादा टाइम तक रूलर बने, जो ज़्यादा टाइम तक उनका राज चला. उसके पहले जितने भी किंग थे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थे, जो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए थे, लेकिन मुगल एम्परर ज़्यादा टाइम तक रूल इंडिया में कर पाए थे. उसके बाद हमने मुगल कैंपेन्स और इवेंट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे वो लोगों ने, कौन कौन ने, किस किस ने डिफ़ीट किया, किसके खिलाफ डिफ़ीट किया, वो कैसे जीते. इन सब चीज़ों के बारे में हमने टेबल वन में कैंपेन्स और इवेंट्स के बारे में पढ़ा. Now start the new topic, open page number 53. A closer look Akbar's policy. अब हम अकबर की पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं. ऊपर हमने अकबर के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ी कि अकबर का जो मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था. अकबर बहुत अच्छे से हर चीज़ कंट्रोल करते थे, मैनेज करते थे. उससे जो शासन था वो बहुत अच्छे से चलता था और उससे लोगों का बहुत अच्छा फ़ायदा होता था और लोग भी अकबर से बहुत ज़्यादा खुश होकर चलते थे. हमने एक चीज़ और पढ़ी, जो रूलर थे वो दूसरे रूलर के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे. जो उनका बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था, वो किसी को इंसल्ट नहीं करते थे ना ह्यूमिलेट करते थे. जबकि अगर कोई भी ह्यूमिलेट या इंसल्ट करता था तो उसका उन लोगों को नुकसान जो भुगतान होता है वो भोगना पड़ता था. चाहे वो किसी से हार जाते थे तो भी वो किसी को ह्यूमिलेट नहीं करते थे. उनका जो व्यवहार था वो दूसरे रूलर के साथ बहुत अच्छा था. नाउ ओपन पेज नंबर 53, अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसी. हम अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि अकबर कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, अकबर कैसे अपने शासन को चलाते थे, उनके अकाउंट्स, उनकी पॉलिसीज़, उनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या थे. द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस बाय द अबुल फ्लेस इन हिज बुक द अकबर नामा, इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द एन इन अकबरी. इसके पहले मैंने आपको अकबरनामा और एन इन अकबरी अकबरी के बारे में बताया. अकबरनामा अकबर की बुक है जो कि अबुल फ़ज़ली ने लिखी है, उनके इतिहास के बारे में, अकबर के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में. और वो बुक को तीन वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वॉल्यूम में पूर्वजों के बारे में लिखा गया, सेकंड वॉल्यूम में अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया और थर्ड वॉल्यूम में अकबर के रेवेन्यू, प्राइजेज, अकाउंट डिटेल्स, स्टैटिकल डाटा के बारे में लिखा गया है. तो इस टॉपिक में हम उसके थर्ड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या था, एन ई अकबरी. अबुल फ़ज़ली एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविडेंसेज कॉल्ड सुभास, गवर्न बाय द सुद्रर हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल मिलिटिकल मिलिट्री फंक्शंस. अबुल फ़ज़ली ने उस बुक में जो लास्ट पार्ट था, लास्ट वॉल्यूम था एन इन अकबरी, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि अकबर को जो प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है, जिस हिस्ट्री को बताने के लिए, अकबर का इतिहास को बताने के लिए उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, उसे हम सुभाष बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सुभाष. और उसमें किसके बारे में बताया गया है, गवर्न बाय द सुभादर हु कैरी बोथ पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शंस. उन सुभादर के बारे में बताया गया है जो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को रन कराते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो अकबर के अंडर पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को रन करते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उसे सुभादर बोला जाता है. ईच प्रोविडेंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. उसमें हर किसी के प्रोविजन को एक फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर दीवान बोला जाता है. जो दीवान उनको बोला जाता है जो पैसों से रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स, पैसों से रिलेटेड पूरा हिसाब किताब रखते हैं, उसे दीवान बोला जाता है. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविडेंस सुभादर वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री प्ले मास्टर बख्शी, द मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ रिलीजन एंड चार्टेबल पैथनोनेज सर, मिलिट्री कमांडर्स फौजीदार्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर इज कॉल्ड कोतवाल. ये उन चीज़ों के नाम हैं जिन्हें अकबर के जब शासन चलता था तो उनको बोला जाता था. जैसे दीवान हो गया, दीवान किनको बोला जाता है, जो पैसों का हिसाब किताब रखते हैं. तो इसमें वैसे ही आपको और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मिलिट्री प्ले मास्टर किसको बोला जाता है, बख्शी को बोला जाता है, मिलिट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियंस एंड चार्टेबल पैथनोज, मतलब कि जो
समाज सेवा होती है, जो रिलीजन होते हैं, कास्ट होते हैं, उनको क्या लेना क्या देना है, इन सब का जो हिसाब रखता है उसे सर्ड बोला जाता है। मिलिट्री कमांडर्स जो होते हैं उसे फौजीदार बोला जाता है, और जो डाउन पुलिस कमांडर्स होते हैं उसे कोतवाल बोला जाता है। ओके, अब आ जाओ नूर जहान इन्फ्लुएंस इन जागीर कोर्ट। नूर जहान जागीर की वाइफ है नूर जहान, उसके बारे में हमें इसमें दिया है कि नूर जहान जागीर अपनी वाइफ को कैसे आगे करते हैं, कैसे उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। मेहनून सियर मैरिड द एम्पायर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूर जहान। नूर जहान का सबसे पहले शादी के पहले नाम क्या था? मेहनून सियर, जिसने एम्पायर जहांगीर से शादी की थी 1611 में, और फिर उनका नाम क्या पड़ गया? नूर जहान। शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टेड टू द मोनार्क। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा सच्ची थी और बहुत ज़्यादा उन पर उनको सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्टक सिल्वर कॉइंस बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इंस्क्रिप्ट स्टक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूर जहान। उसके लिए जहांगीर ने एक कॉइन बनवाया, सिल्वर कॉइन, जिसमें एक साइड जहांगीर का नेम था और दूसरे साइड उनने अपनी बेगम नूर जहान का नेम लिखवाया था। वो उनको हर नूर जहान हर चीज़ में जहांगीर को मदद करती थी, हर चीज़ में उसके साथ सच्ची थी और हर चीज़ में उनका सपोर्ट करती थी। उनके मार्क के लिए, उनके ऑनर के लिए, उनको उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनने एक सिल्वर कॉइन बनाया, जिनके एक साइड जहांगीर का नेम था और दूसरे साइड उनकी बेगम नूर जहान का। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्डर ऑफ नूर जहान, एक फरमान एक ऑर्डर आया, जो एक डॉक्यूमेंट लिखी गई नूर जहान के बारे में, एक लाइंस लिखी गई, अच्छी लाइनें, अच्छी उनकी तारीफ में लाइंस लिखी गई नूर जहान के लिए एक डॉक्यूमेंट में। द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइन एंड एलिवेटेड मिनिस्ट्री नूर जहान परशा बेगम। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जागीर शी बिकेम एन ब्रिलियंट एज ब्रिलियंट एज अ मून मे नूर जहान परशा बी द लेडी ऑफ द एज। उनकी तारीफ में एक डॉक्यूमेंट लिखी गई और उस डॉक्यूमेंट में उनकी तारीफ में ये लाइंस लिखी गई थी। अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज एनिमीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। अकबर के बारे में आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, जो अकबर थे वो उनका जो रेवेन्यू, उनका जो टैक्स कलेक्टेड का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, और वो टैक्स रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग ही पूरा लोगों से कलेक्ट करते थे, जिनके अकॉर्डिंग उनके खर्चे थे, और वो टैक्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ही वो लोग रखते थे ताकि वो उनके खर्चे भी, उनके प्रॉपर सैलरी भी दे पाए। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. पहले अकबर लोगों को अपनी नौकरियों में रखते थे, आर्मीज के लिए रखते थे, नौकरी देते थे, उनको जॉब देते थे और उनको रखते थे, लेकिन 17th सेंचुरी की ख़त्म होते होते सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए, सब लोग अपनी मर्जी से जीने लगे और अपनी मर्जी चलाने लगे। Their loyalties to the empire were weakened by their own self interest. उनके अपनी रुचि के कारण उनके जो इंटरेस्ट था अकबर की तरफ वो कम होता गया और वो अपने अकॉर्डिंग चलने लगे। अकबर उनको सैलरी देते थे, जो रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट होता था उससे उनको सैलरी देते थे, उनकी जितनी भी नीड्स थी वो प्रोवाइड करते थे, उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका अपने में इंटरेस्ट आने लगा और अपने अकॉर्डिंग वो काम करने लगे। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on the religion and the Ulama, Brahmas, Jews, priests who were the Roman Catholics. Akbar ने क्या किया? Akbar को बहुत ज़्यादा interest था religions के बारे में जानने का, तो उनने एक discussion start की जो 1570 में हुआ। उनने एक discussion start की जो religions के बारे में था, जो मुसलमान के बारे में था, ब्रह्मास के बारे में था, जो पुजारियों के बारे में था, उनके बारे में जानने की कोशिश की। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खान, और ये डिस्कशन कहाँ पे होता था? ये डिस्कशन एक प्लेस है जिसका नाम इबादत खान है, वहाँ पे ये डिस्कशन होता था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड द सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लोगों के रिलीजन, लोगों के ट्रेडिशन के बारे में जानने के।
जानने में बहुत इंटरेस्ट था और उनको लगता था कि वो हर कस्टम के बारे में उनको पता होना चाहिए। अकबर इंटरैक्टेड विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट द रिलीजियस स्कॉलर्स हु फ्रेज इम्प्रेज रिचुअल्स एंड डोगा एंड वर ऑफन बेंगोल। अकबर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग डिफरेंट रिलीजन के लोगों से इंटरेक्ट करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनको जानने की कोशिश करते थे और उनके रिचुअल्स को जानने की कोशिश करते थे, जो उनके ट्रेडिशन थे, जो अलग अलग उनके फेस्टिवल्स होते उनमें ट्रेडिशंस क्या थे, उन सबको जानने की कोशिश करते थे। लेकिन वो इन रिलीजन्स में और इनके रिचुअल्स को बिलीव नहीं करते थे, मतलब उनको गॉड में बिलीव नहीं था। डोगमा का मतलब आपको यहाँ पे दिया है, स्टेट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। डोगमा का मीन्स ये है कि हमने जो कह दिया वो मान लो, मतलब आप सामने से कोई क्वेश्चन नहीं करो, हमने जो बोल दिया वो मान लो। तो वो उस लोग उस रिचुअल को फॉलो करते थे, लोगों को लगता था जो भगवान की लिखी हुई चीज़ें हैं वो सब सही हैं और कुछ सही नहीं है। तो जो डोगमा का मतलब ये होता है हमने जो कह दिया वो मान लो। वर ऑफन बाइकॉर्ड्स, बाइकॉर्ड्स का मतलब ये होता है एन इंडिविजुअल हु इज टॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजन्स बिलीव और कल्चर। उस इंडिविजुअल में जो अपने कास्ट को, अपने रिलीजन्स को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा वो पर्सन जो बिलीव इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो अकबर उनमें से ही एक थे, उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद था, लोगों के रिलीजन, लोगों के कास्ट के बारे में, रिचुअल्स के बारे में जानना बहुत पसंद था, लेकिन अकबर इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। देयर टीचिंग क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसेरेमनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट। This eventually led Akbar to the idea of Sul e Kul or universal peace. Akbar को ये idea कहाँ से आया था? Sul e Kul से, जो कि एक maybe एक book है, उससे ये idea आया था। अकबर इसके बारे में डिस्कशन करते थे और अकबर को ऐसा लगता था कि सब यूनिवर्सल पीस में रहे, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन में भेदभाव नहीं हो, सब बहुत मान सम्मान के साथ रहे, साथ मिलकर रहे और सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रिकम। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो, सब बहुत मिलजुल के रहे और हर रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहे। इनसेट इट फोकस ऑन द सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। सब सच्चाई को, जस्टिस को, शांति को अपनाएं और साथ मिलकर रहें। That was a universal equilibrium. Abul Fazi helped Akbar in framing a version of the governance around the idea of Sul e Kul. The principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. और इस चीज़ को जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया, उनने भी यही कोशिश की कि वो लोगों को मिला जुला के रहें, हर रिलीजन को एक साथ मिल के रहें और लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो और लोग बहुत शांति से रहें। और ये चीज़ जहांगीर और शाहजहां के जब शासनकाल आया था उसमें भी वो लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया था और वो लोगों के जस्टिस के लिए करते थे बहुत कुछ। और यहाँ अकबर ने जो ये डिस्कशन होता था लोगों के साथ मिलकर, वो कहाँ पर होता था? इबादत खान में। और ये डिस्कशन किस लिए होता था? यूनिवर्सल पीस के लिए। सुर ई कुल, अब सुर ई कुल क्या है? जहांगीर अकबर सन्स डिस्क्राइब्स, जो जहांगीर थे अकबर के सन, अकबर के बेटे, डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुर ई कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। उनने अपने फादर की इस पॉलिसी को डिस्क्राइब किया था। एज इन द वाइड एक्सपेंड ऑफ डिवाइन कंपेंसेशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल द क्लासेस एंड द फॉलोवर्स ऑफ ऑल क्रीड्स। सो इन हिज एम्परर डोमिनेशन विच ऑल ऑन ऑल साइड्स फॉर लिमिटेड ओनली बाय द सी देयर वॉज अ रूम फॉर द प्रोफेशंस ऑफ अपोजिट रिलीजन्स एंड फॉर बिलीव्स गुड एंड बैड एंड द रोड टू इनटॉलरेंस वॉज क्लोज। सुनीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क्यू एंड क्रिश्चियंस एंड जूस इन वन चर्च टू प्रे हिज कॉन्स्टिट्यूएंटली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। सुर ई कुल का एक मोटिव और एक वर्ड ही यही था, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें आपको सिर्फ यही बताया गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है उससे वो फॉलो करने देना चाहिए और सब रिलीजन के लोग मिलजुल कर रहें। ओके, थैंक यू।